जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित कर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई, वहीं महिला दिवस पर मंदसौर पुलिस की अनूठी पहल देखी गई। शहर के दो थानों पर महिलाओं को एक दिन के लिए थाना प्रभारी की कमान सौंपी गई। महिला दिवस के अवसर पर नई आबादी पुलिस ने महिला आरक्षक ज्योति मदारिया को थाना प्रभारी का प्रभार दिया, तो वहीं शहर कोतवाली ने सब इंस्पेक्टर नेहा जैन को थाने की कमान सौंपी। इस दौरान उन्होंने रूटीन कार्य के साथ यातायात व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों सहित अन्य कार्य देखे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब मैं थाने पर आई तो पीआई साहब ने बोला कि आज की थाना प्रभारी आप हैं और रूम तक लेकर आए कि ऑफिस में आप ही आज इंचार्ज करेंगी पूरे थाने को। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए और बहुत ही प्राउड हो रहा है कि आज थाना मैं संभाल रही हूँ। काफ़ी गणना लिया सुबह मैंने और सबको निर्देशित किया कि क्या वर्क करना है आपको आज। और 4 साल के मेरे कार्यकाल में आज पहली बार ऐसा है कि मैं एक थाना संभाल रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने कौन से काम को प्राथमिकता दी? आज यातायात का जो था हमारा, कि माननीय गृह मंत्री जी ने आदेशित किया था कि सभी महिलाएं हैं यातायात संभालेगी और सभी को समझाएंगी, जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं गाड़ी पे और फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो उन लोगों को भी समझाइश देकर आई मैं। और उसके बाद थाने पर जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी ली है सबसे। सीएम हेल्पलाइन वगैरह जो है वो देख रहे हैं और उनका निकाल कर रहे हैं। आज महिला दिवस पर महिलाओं को क्या मैसेज देंगे आप? महिलाओं से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो महिलाएं ये सोचती हैं कि बाहर जो वर्क कर रही है वही महिलाएं ज़्यादा विशेष हैं और हम लोग तो घर में हैं, हाउसवाइफ है, तो ऐसा नहीं है। जो घर की गृहस्थी होती है, जो संभालती है महिलाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा काम है। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो घर में रहकर अपने घर को प्रॉपर तरीके से चलाती हैं। जो हमारे पास पारिवारिक विवाद भी आते हैं कई बार, तो इस तरीके के विवाद होते हैं कई बार कि हमें इतना पढ़े लिखे हैं हम, फिर भी हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर की गृहस्थी संभालना भी एक बहुत बड़ा वर्क है। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरी मम्मी है, वो हाउसवाइफ है, तो वो एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ है, इसलिए हम आज आगे बढ़ पाए। तो सभी महिलाओं को मैं शुभकामनाएँ देती हूँ और इसी तरीके से वो अपना योगदान देती रहें। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।